इतिहाद कप बीरवा 2023 का ग्रैंड फाइनल आज टाइट ग्राउंड बीरवा में मुनाकिद हुआ। ग्रैंड फाइनल ब्रदर्स इलेवन मुकाबला चेदवा इलेवन के दरमियान खेला गया। ब्रदर्स इलेवन ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और 173 रन स्कोर किए, जबकि मुस्कुरा हदफ का ताकुब करते हुए चेदोरा इलेवन ने 14 ओवर्स में 174 रन बनाकर मैच जीत लिया। समाजी कारकुन मुजम्मिल महमूद, खान राजा, मलिक जहांगीर, तनवीर हुसैन खसूसी तौर पर वहां मौजूद रहे। मुजम्मिल महमूद ने नौजवानों से खेल और खेल की अहमियत पर रोशनी डाली है। उन्होंने कहा है कि इस किस्म की तकरीबात के इनाकात का मकसद नौजवानों को खेलों की सरगर्मियों में शामिल करना है, ताकि नौजवानों को मंशियात और दीगर गैर इखलाकी या गैर समाजी सरगर्मियों से दूर रखा जा सके। ये हमने एक इवेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था टाइट बीरवा में, इतिहाद कप के नाम से क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था। एम हमारा यही था कि इतिहाद कप का मतलब ये है कि आपस में इतिहाद रहे, यहाँ पे लोगों को काफ़ी सारी सोसाइटीज़ यहाँ पे रहती हैं, इन सभी गांवों को आपस में या सोसाइटीज़ को आपस में इतिहाद रहे। तो पहला हमारा टारगेट यही था इस इतिहाद कप को ऑर्गेनाइज करना। दूसरा हमारा मोटिव था कि यूथ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट रहे इनकी, उससे क्या होगा, ड्रग्स से दूर रहें, ये हमारे दो मेन मोटिव थे। बदकिस्मती से हमारे इलाके में उतने ग्राउंड की अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से हर एक जगह क्रिकेट टूर्नामेंट्स के साथ साथ जो भी गेम्स हैं, सभी गेम्स के टूर्नामेंट्स होने चाहिए। उससे क्या होगा कि पार्टिसिपेशन यूथ की रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, उससे काफ़ी हद तक ड्रग्स में रुकावट आ सकती है। मैसेज हैं पेरेंट्स से और उन बच्चों से यही कि आप जितना हो सके दीन की ओर आइए, दीनी मालूमात हासिल कीजिए, नॉलेज हासिल कीजिए और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें। उससे क्या होगा, आपका जितना तंदुरुस्त आपका दिमाग होगा उतने ही आपके फिर काम उतने ही अच्छे होंगे, क्योंकि एक वेल डेवलप्ड जो फ्री माइंड रहता है वो फिर गलत कामों की ओर नहीं जाता है। तो मेरी गुजारिश यही कि सभी यूथ्स पढ़ाई की ओर ध्यान दें, अपने करियर की ओर ध्यान दें, उसके साथ साथ दीनी तालीम हासिल करें और उसके साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में आप हिस्सा लें। 16 टीमों पर मुश्तमिल एक टूर्नामेंट, क्योंकि मौसम की हालात अभी बर्फ पड़ने वाली है, तो उस लिहाज से हमने 16 टीमों पर ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज वसीम साहब ने कराए हैं। वसीम साहब हमारे यंग डायनेमिक पर्सनलिटी है। वसीम साहब जैसे यंग यूथ की हमारे कौम को ज़रूरत है, जो वक्तन फवक्तन ऐसे इन टूर्नामेंट्स का इनका करते रहते हैं। और ये जो टूर्नामेंट है ये आज ब्रदर्स एलेवन सनपा और चुड़ारा एलेवन के बीच में खेला गया, जिसमें चुड़ारा एलेवन ने जीत हासिल की। ऐसे इन टूर्नामेंट्स का हमारे एरिया में ऑर्गेनाइज होना, या आपने खुद देखा कि आज माइनस टेम्परेचर था, माइनस टेम्परेचर में भी यहाँ के युवा हज़ारों की तादाद में यहाँ पर बच्चे आए थे, तमाशा ही आए थे, खेलने के लिए आए थे। एक जज्बा है, एक जुनून है, और आप देख रहे हैं कि हमारे बच्चे मनशियात की लत में लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि 4 लाख से ज़्यादा लोग अभी ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं। हम उस चीज़ को रोकना चाहते हैं, हमारी यही मैसेज रहती है अक्सर। हम खुद स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कराते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो भी नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल में भी पार्ट ले सकें, और आगे भी इंशाल्लाह ऐसे इवेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे इस बीरवा में यहाँ पर जो प्लेटफार्म बच्चों को होना चाहिए वो वैसा प्लेटफार्म उनको नहीं मिलता है। हमने इससे पहले भी आपके माध्यम से गुजारिश की थी और आज भी स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर से और जो स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी नुसरत गुल जी से, उनसे हम गुजारिश करते हैं कि इन जैसे छोटे छोटे ग्राउंड्स को स्पोर्ट्स काउंसिल के अंडर वो करें, ताकि जो जितने भी प्रॉब्लम्स है और वो दूर हो सके स्पोर्ट्स के लिहाज से, और हमारे बच्चों को भी एक प्लेटफार्म मिले। शुक्रिया माध्यम के साथ जो मीडिया फिटिनिटी है, हमेशा आपका बहुत ही बड़ा रोल है खेल और मेल में इस तरह के इवेंट, और वो भी चिल्ला कलान की आमद के बाद बीरवा में अक्सर देखे गए हैं, और इसका मोटिव यही होता है। और वसीम और मुजम्मिल जो है या जाकिर हुसैन है, यहाँ के नौजवान ने हमेशा आला सोच अपनाई है और लड़कों को हमेशा एक्टिव रखा। इस वक्त जो घर घर की और हर एक मौलवी और हर एक बाशऊर इंसान की, जो कि एक इंसानियत का एक बेहतरीन दावा करने वाला इंसान है, उसके हर एक बाशऊर इंसान की जो कि एक इंसानियत का एक बेहतरीन दावा करने वाला इंसान है, उसके सोच में एक ही फिक्र है, वो है ड्रग। तो इसको दूर अगर करना है तो हमें घरों से बाहर निकलते हुए इस तरह के इवेंट, चाहे वो खेल के हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, ये हमें मौसम नहीं दिखाना चाहिए। जब तक अल्लाह ताला ने हमें सेहत दी है और मौसम खुशगवार है, इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। मुझे लगता है कि इससे बड़ा और कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे वसीम मौलवी और इत्तेहाद कप में देखा गया है कि पूरे तकरीबन कम कम